हेलो एवरीवन, आइए आज एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज में ए बी समांतर सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि डी ई बटे ई बी बराबर ई सी बटे ई ए। इस क्वेश्चन में कुछ कमी है। कमी यह है कि क्वेश्चन में कहीं पर भी ई का जिक्र नहीं किया है और सिद्ध करने के लिए कह दिया है ई वाला, सिद्ध करने वाले में ई को सबमिट कर दिया है, तो ई कहां से आएगा। अब मेरे हिसाब से ई दो तरह से आए, या तो इस क्वेश्चन में ऐड करें कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज में ए बी पैरेलल टू सी डी तथा विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि इतना, ये एक हो सकता है। और दूसरा हम काम ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए नहीं दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन में उसने नहीं दिया, तो हम रचना में एक काम कर सकते हैं। रचना में कहेंगे कि विकर्ण ए सी और बी डी खींचा जो एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तुरंत उठेगा क्वेश्चन कि भाई ठीक है, विकर्ण को खींचा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेद वाला बिंदु हम ई ही क्यों ले, कोई और बिंदु भी कर सकते हैं, पी कर सकते हैं, क्यू कर सकते हैं, एम कर सकते हैं, ई ही क्यों ले। लेकिन चूंकि क्वेश्चन पूरा नहीं दिया है, अधूरा है, तो दोनों कंडीशंस में हम कोई एक कंडीशंस को लेंगे। तो मैं ये मान रहा हूं दिया है वाले में ही कर दे रहे हैं कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज में ए बी पैरेलल टू सी डी तथा विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए इतना, ये मैं कर रहा हूं। रचना वाला पार्ट छोड़ दे रहे हैं। दिया है मैं ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें जिसमें ए बी अच्छा ऐसा करते हैं ना कि जो चीज हमको ऐड करना है उसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज में ए बी पैरेलल टू सी डी और तथा विकर्ण ए सी तथा बी डी ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ये इतना ऐड करना पड़ेगा, करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि इतना। अब इसके बाद दिया हमें ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी तथा विकर्ण ए बी तथा ए सी तथा बी डी का प्रतिच्छेद बिंदु बिंदु ई है, ठीक है, इतना हो गया। तो विकर्ण खींचना पड़ेगा ना, विकर्ण खींच देने, ये भी हो गया। ये चीज चूंकि इसमें मेंशन नहीं था इसलिए बाद में हम इसको किए, और जो मैं रचना कर रहा था अगर रचना हम करते तो ये इतना करते कि विकर्ण ए सी और बी डी खींचा जो एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। यहां तुरंत क्वेश्चन उठ जाएगा कि ई ही क्यों। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है डी ई बटे ई बी बराबर
ई सी बटे ई ए। संरचना में हमने ए बी या डी सी के समांतर ई एफ खींच दिया, तो क्या लिखेंगे, ए बी या सी डी के समांतर ई एफ खींचा, ठीक है। अब ई एफ खींच दिया तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये ई एफ बी सी के समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों खुद समांतर हैं, तो ये इसके समांतर हो गया। अब ये समांतर हो गया तो थेल्स का प्रमेय लागू हो जाएगा, तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ई एफ पैरेलल टू ए बी, तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर से लेते ई सी बटे ई ए, ई सी बटे ई ए बराबर, ऊपर से लिए है ना, तो यहां भी ऊपर से लेंगे ई एफ सॉरी सी एफ बटे एफ बी, सी एफ बटे एफ बी, समीकरण नंबर एक। और पुनः त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में ई एफ पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी, तो यहां भी थेल्स प्रमेय लागू होगा, ये समांतर हो गए त्रिभुज में, आधार के समांतर एक रेखा होगी तो थेल्स प्रमेय लागू होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, डीई डीई बटे ई बी बराबर सी एफ बटे एफ बी, ऊपर वाला बटे नीचे, तो ये ऊपर बटे नीचे करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, डीई बटे ई बी बराबर सी एफ बटे एफ बी, समीकरण एक और दो से। समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, देखिए सी एफ बटे एफ बी, सी एफ बटे एफ बी बराबर है, तो ई सी बटे ई ए, ई सी बटे ई ए बराबर डी ई बटे ई बी, ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, चित्र में, इस चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण बी सी, ये विकर्ण है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी के लिए, और दोनों समकोण है, विकर्ण बी सी के दो समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा डी बी सी है, ए बी सी डी बी सी, जिसमें बी सी दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए ये, अगर अकेले एबीसी की बात होती तो बीसी को हम कर्ण बोलते, या अकेले डीबीसी की बात होती तो हम बीसी को कर्ण बोलते, लेकिन यह बीसी एबीसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए और समकोण त्रिभुज डीबीसी दोनों के लिए काम कर रहा है, इसलिए इसको हम विकर्ण बोलेंगे, ठीक है ना, इसीलिए यहां पर विकर्ण बीसी बोला है, ठीक है, ये हो गया। तो अब तथा भुजाएं BC तथा AD, भुजाएं BC तथा AD, BC तथा AD की AC तथा, अच्छा इसमें हमने गलती लिख दिया है, AC और BD है ना, यहां पर तो AC कर दें हम,
क्वेश्चन में लिखा था, हमको लिखने में मिस्टेक हुआ है, एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु पी है, प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एपी इंटू पीसी बराबर डीपी इंटू पी, क्या क्या है, एपी इंटू पीसी बराबर डीपी इंटू पीबी। देखिए इस पर अगर हम ध्यान दें तो हमको एक चीज ये क्लियर हो गया कि हमारा काम त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज डी सी पी में बनेगा, और इन दोनों में काम बनेगा कैसे, अगर कहीं हम देखिए ये दोनों तो समकोण हो गए और एक कोण इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण और बराबर दिखा दें तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज डी पी सी समरूप होंगे, और जैसे ही समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही समरूप हो जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो आइए प्रूफ करते हैं। अच्छा ये कोण, एक तो कोण बराबर है, दूसरा कोण देखिए यहां पर है, अब ये कैसे बराबर है इसको अभी मैं नाम नहीं लूंगा, अभी आप सोचिए, जब मैं लिखूंगा तो उस समय लिख दूंगा, अभी आप सोचिए कि वो कैसे बराबर है। दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी की उभयनिष्ठ भुजा बी सी है, ये हो गया, ए सी और बी डी पी पर काटते हैं, ये तो चीज दिया हुआ है, पी पर प्रच्छेद करते, ये तो दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एपी इंटू पीसी बराबर डीपी इंटू पीबी। अच्छा हाँ एक चीज मैं देखिए बताना चाह रहा था कि देखिए प्रमेय वाले जितने भी सवाल हैं, प्रमेय की तो बात छोड़ दीजिए, प्रमेय में तो ये पॉइंट्स आते ही आते हैं, ये हम लोग लिखते हैं कि इस तरह से लिखेंगे तो प्रमेय सिद्ध होगा, उसमें देखते हैं क्या दिया है क्या सिद्ध करना है, रचना वाला पॉइंट आएगा तो लिखेंगे, फिर उत्पत्ति करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में भी यही काम करना होता है। अब अगर कहीं आप क्वेश्चन पाए और सीधे एकदम उठा करके यहां से शुरू कर दिए, उत्पत्ति लिखे भी नहीं और सीधे हल करना शुरू कर दिए तो वहां पर नंबर कटेगा, नंबर कटेगा, क्यों कटेगा, अब एक लड़के ने लिखा दिया है सिद्ध करना है रचना उपपत्ति, और आपने क्या किया, आपने सीधा उठाया एक क्वेश्चन देखा और सीधे यहां से हल करना शुरू कर दिया, ये बराबर ये बराबर ये, सिद्ध हो गया, सिद्ध तो आपका भी हुआ, सिद्ध उस लड़के का भी हुआ जिसने ये 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 चारों पॉइंट दिया, तो नंबर किसको बढ़िया मिलना चाहिए, उसको ना जो इसको लिखा है। तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि चाहे प्रमेय हो चाहे प्रमेय से संबंधित सवाल हो, ये चारों पॉइंट्स, ये तो मान लीजिए जरूरत के हिसाब से, रचना जरूरत के हिसाब से है, अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं तो तीन पॉइंट्स तो अनिवार्य है, दिया है सिद्ध करना है और उपपत्ति, ये जरूर होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान हो। चलिए ठीक है, तो ऐसे इसमें रचना, रचना हमको नहीं करना है, तो रचना वाला पॉइंट मैं हटा दे रहा हूं, इसमें रचना नहीं करना है। उपपत्ति में हम लोग चर्चा किए थे कि अगर त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज डी सी पी को किसी तरह से हम समरूप दिखा दें तो संगत भुजाओं के अनुपात द्वारा हम ये प्राप्त कर सकते हैं। समरूप दिखाने के लिए दो कोण, दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर दिखाना होता है, एक तो ये बराबर है, क्यों, 90 अंश है, 90 अंश है, समकोण त्रिभुज है, यहां पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज
डी बी सी में कोण, इसको आप कोण ए और कोण डी भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पर अन्य कोण, वहां पर कोण का विभाजन नहीं हुआ है, तो आप डायरेक्ट कोण ए कोण बी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं कोण ए बराबर कोण डी, एक हो गया बराबर 90 अंश। ये क्या है, दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया है, तो ये से लिख देंगे दिया है। सेकंड क्या है, अब देखिए यहां पर हम कोण पी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कोण पी लिखेंगे तो ये कोण पी जो लिखेंगे तो इधर वाले का कि इधर वाले का कंफ्यूजन होगा, तो यहां पर हम कोण, जैसे कोण ए लिखेंगे तो एकदम क्लियर है कि इस कोण की बात हो रही है, कोण डी लिखेंगे तो इस कोण की बात हो रही है, लेकिन कोण पी लिखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको कह रहे हैं कि इसको कह रहे हैं, कंफ्यूजन होगा। तो यहां पर हमको क्या करना होगा, कोण ए पी बी लिखना होगा, कोण ए पी बी बराबर कोण डी पी सी, क्यों बराबर हुआ अभी तक तो आप लोग सोच भी लिए होंगे, चलिए मैं बता देता हूं, शीर्षाभिमुख कोण इसको कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो यहां पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। एकदम सोचा करिए कि हमको ये लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बस जब ये दो दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीबीसी बाई ए ए, कोण कोण के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब जब समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं में किस किन किन का जरूरत है हम उसी को लें, एपी का जरूरत है इसको ले लेते हैं, पीसी का जरूरत है इसको ले लेते हैं, डीपी का जरूरत है इसको ले लेते हैं, पीबी का जरूरत है इसको ले लेते हैं, यानी कि हमको डीसी और एबी का जरूरत नहीं है। ये अगर कहीं समकोण की बात करें तो ये अगर इसको आधार मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये इसका आधार है ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना, ये आधार हो जाएगा समकोण त्रिभुज, अगर इसको आधार मानते हैं तो इसका आधार है और ये लंब हो जाएगा समकोण है, तो इसका ये आधार हो जाएगा और इसका ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं होता है, सबसे बड़ी रहती है तो उसको कर्ण कहते हैं। तो समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर करने जा रहे हैं, संगत भुजाओं का अनुपात मतलब आधार बटे आधार, यानी एपी बटा डीपी बराबर की पीबी बटे में इसका कर्ण पीसी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, एपी इंटू पीसी बराबर डीपी इंटू पीबी, बस ए प्रूफ करना था, कर दीजिए ऐसे कर देंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नहीं भी लिखेंगे यहां पर प्रूफ लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 6B का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति इसकी बात कर रहा है, निम्न आकृति में क्रमशः ओपी ओक्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी, ओपी क्या है, देखिए ओपी, अच्छा यहां पर ओ है, ये ओ है, तो ओपी ओक्यू ओ आर पर क्रमशः बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित, इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये जो ए बी है ये पी क्यू के समांतर है, ए सी, ये ए सी पी आर के समांतर है, तो हमको दिखाना है ये जो बी सी है क्यू आर के समांतर होगा। देखिए बी सी क्यू आर के समांतर कब होगा, अगर हम थेल्स प्रमेय पर जाएं तो OB बटे BQ
बराबर ओ सी बटे सी आर हमको अगर मिल जाता है तो हम कह देंगे कि ये बी सी और क्यू आर समांतर है। थेल्स प्रमेय यही तो कहता है कि अगर ये समांतर हैं तो ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर होना चाहिए, और अगर कहीं ओ बी बटा बी क्यू और बराबर सी आर ओ सी बटे सी आर मिल जाता है तो हम कह देंगे कि बी सी और क्यू आर समांतर है। बात एक ही हुई। तो दिया है हमें त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर तथा ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी हैं तथा ए बी पैरेलल टू पी क्यू तथा ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर ये दिया हुआ है। इतना सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर। इसमें रचना की जरूरत नहीं है। जब रचना की जरूरत नहीं है तो रचना वाला पार्ट हमने नहीं लिखा। सीधे उपपत्ति पर आते हैं। उपपत्ति में क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू मिले तो ओ पी क्यू में ए बी समांतर पी क्यू है तो इसका मतलब ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू होगा। त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी समांतर पी क्यू ये दिया हुआ है, दिया हुआ है तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा इसमें, तो हो जाएगा ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू, समीकरण नंबर एक। अब आते हैं इस तरफ, जो दिया हुआ है उसी से हम हेल्प लेंगे। ए सी पी आर है ना, ए सी पी आर और ए बी पी क्यू। तो अब इधर आए त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर या ए सी पैरेलल टू पी आर है तो यहां भी थेल्स प्रमेय लगेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर ये होगा, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर ये समीकरण नंबर दो। अब समीकरण नंबर एक और दो पर नजर देखें तो देखिए ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर है, अगर ये भाग बराबर है तो बराबर के उस पार वाला पार्ट भी बराबर होगा है ना। यहां पर लिखेंगे समीकरण एक और दो से ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। अब देखिए ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू बराबर है ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर ये अनुपात बताता है, ये अनुपात तभी संभव है जब बी सी और क्यू आर समांतर होगा। दिस इंप्लाइज बी सी समांतर क्यू आर, ठीक ना, बस यही सिद्ध करना था। ये मेरा सिद्ध हो गया।